होगा बिल्कुल वो पिंक मून। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है। शरद पूर्णिमा के चांद। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री कृष्णा। देखो आज ना मैं आपको सुबह सुबह चीज़ दिखाती हूँ, अगर आप देखेंगे ना, सुबह का वक्त है और सुबह सुबह ना आजकल जो सीजन चल रहा है वो हर श्रृंगार के फूलों का चल रहा है और बिल्कुल पीक पर है ब्लॉसम। वैसे तो मेरे बाकी पेड़ों में ना ये फूल अब ख़त्म हो चुके हैं, बस यही वाला प्लांट बचा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी पता क्या होती है, सुबह आप उठते हो ना ऐसे फूल पड़े होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, इनको पारिजात भी कहते हैं, मेरे तो फेवरेट हैं। हर जगह ओवोसीओस, जिस भी प्लांट पे आप देखोगे ना सुबह, क्योंकि कल तो वैसे भी इतनी बारिश हुई है, बारिश के बाद आज जहाँ भी देखोगे ना इतनी खूबसूरत ओस पड़ी हुई है। ये वाले फूल, इनको तो आप सब जानते होंगे, अपराजिता के फूल हैं। आज ना वेदर भी इतना अच्छा है, चारों तरफ देखोगे इतना धूप, सुंदर हवा सुबह से ही ना, क्योंकि दो दिन इतनी तेज बारिश रही है, बारिश के बाद जाके ना आज इतना अच्छा मौसम खुला है। और आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, मोस्टली मुझे लगता है कि सारे कपड़े वरुण के ही हैं, कि उसके काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो आज उनको सबको मैंने धो दिया है। अभी मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि जैसे ना आप सबके घरों में भी किचन में वेस्ट निकलता होगा, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, और मोस्टली आप सब लोग उनको डस्टबिन में ही डाल देते होंगे, या फिर कहीं शायद जिसके आसपास एनिमल्स होंगे तो बाहर गाय के लिए या कहीं डाल देते होंगे। मेरे घर में भी जो रोज़ का वेस्ट निकलता है ना, मैं डेली का डेली उसको क्या करती हूँ, मेरे घर में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बकरियाँ हैं और वो खुश होकर ना इसको बड़े खुशी खुशी सारा खा लेती हैं। अभी मैंने सारा वेस्ट इस पर इकट्ठा कर रखा है, लेके जाऊँगी और दिखाऊँगी आपको कि वैसे कैसे खुश होकर वो उसको खा लेती हैं। बकरियाँ कहाँ से लाई हूँ, क्यों लेके आई हूँ, क्यों मैंने रखी हुई हैं, उन सब के पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। मारना नहीं है किसी को, ये कृष्णा है और ये इन सब में सबसे एल्डर है और सबसे ज़्यादा शैतान है, सबको मारता है ये। एक्चुअली क्या है अभी बताती हूँ मैं आपको, पहले इन सबको ना प्यार देती हूँ। इनकी जो ब्रीड है इनको बर्बरी ब्रीड कहते हैं, जिसमें इनके कान लंबे लंबे होते हैं और एकदम ये वाइट होती हैं, और इनका जो फेस है ना वो बड़ा क्यूट पैरट की तरह होता है। बस खुश होकर खा लेती है इन सब चीज़ों को। आ जाओ आ जाओ बोली, आ जाओ, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार क्या हुआ था, अब से करीब 5-6 साल पुरानी बात है। ये जो कृष्णा है ना ये तो छोटा सा, मैंने खुद ही पाला है, हमारे साथ अंदर ही रहता था हमेशा गोदी में। आप देखो कोई सोच सकता है कि इसको गोदी में रख के हमने पाला होगा। एक बार हुआ क्या था कि जैसे ना जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमें यहाँ के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे चाहिए होते हैं, और उनको लेने के लिए हम लोग गए थे पूसा, और वहाँ पे 2-3 दिन के लिए एग्जीबिशन लगी थी जिसमें बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स सब आए हुए थे। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये गॉड्स के भी ना 3 पेयर थे, तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ऑक्शन के लिए ही हैं, लेकिन 3 दिन, क्योंकि इनकी भीड़ बहुत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ आए हुए थे, तो ये था कि 3 दिन जो है यहाँ डिस्प्ले में है, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप लेके जा सकते हो। तो हमने 2 पेयर वहाँ से लिए, और उसके पीछे एक रीज़न था। वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे कसाई थे जो इनको लेना चाह रहे थे। लोग आज के डेट में नॉनवेज बहुत खाते हैं, शायद सबका अपना अपना शौक है, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं इस क्रुएल्टी के लिए बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं कभी नहीं सोच सकती कि कोई इस तरह से जीवों को मार के खा सकता है। तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि हम चारों वहीं थे और वो कसाई इनको ख़रीदना चाह रहे थे और उसके लिए वो हमें इसके दुगने तिगने रेट देना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आत्मा उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। और हमने उनको कहा कि हम किसी को नहीं देंगे, हमने उनके लिए पैसे दिए और 2 पेयर हम अपने घर ले आए, और वो इतनी अच्छी ब्रीड निकली उसके बाद। आज 2 के बाद ये कम से कम 7-8 हमारे पास हो चुके हैं,
और ये छोटे छोटे बच्चे और अच्छा खासा दूध भी देते हैं आज के डेट में डेंगू के लिए, जहाँ लोग बकरियों का दूध ढूंढते रहते हैं। लेकिन लोगों में एक हेजिटेशन है, एक शर्म है कि कुत्ता पाल लेंगे, बढ़िया सी बिल्ली पाल लेंगे, अच्छा सा घर बना लेंगे, लेकिन जानवरों से सब लोग दूर जाते हैं। कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, शर्म है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है फिर सब लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम अपने नेचर के साथ फिर से जुड़ते चले जाएंगे, हमारे लिए वही अच्छा होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए। ये देखो, हमने ना यहाँ पर कुछ प्लांटेशन भी की हुई है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये मौसमी लग रही हैं छोटी छोटी, अभी तक हम लोग हमेशा मार्केट से ही खरीदते थे, लेकिन अब खुशी होती है कि अब मौसमी यहाँ लग रही हैं। जैसे आप पीछे देख सकते हो, बैंगन मैंने अपने लगाए हुए हैं। अभी जैसे देख सकते हो यहाँ पे, ये बैंगन हैं, मैंने लगाए हुए थे थोड़े से बैंगन के पेड़ काफ़ी टाइम से, और इसमें बहुत बैंगन लगे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, मार्केट में ऐसे टेस्ट का बैंगन आपको मिलेगा ही नहीं, इतना अच्छा इसकी सब्जी और भरते में स्वाद है। कुछ पपीते के पेड़ लगाए हुए हैं, और ये पपीते के पेड़ भी मैंने कहीं से कोई पौध नहीं लेके आए हैं। हम लोग जो घर में पपीता हमने खाया, उन्हीं के बीजों को हमने सीड के रूप में यूज़ किया है, और उन्हीं से ये प्लांट बड़े हो गए हैं। और अब आप देखोगे इनमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं, शायद कुछ टाइम में इनके अंदर पपीते भी आ जाएंगे। आज ना मैं आपको एक और पेड़ दिखाना चाहती हूँ। जानते भी होंगे ये किस चीज़ का पेड़ है, जानते हो तो मुझे बताना, वरना मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये है वैजयंती का पेड़। वैजयंती आपने सुना होगा, कृष्णा जी गले में वैजयंती की माला धारण करते थे। अभी इसमें छोटे छोटे फूल आने शुरू हुए हैं, ये इसकी बालियां हैं। अब से महीने भर के अंदर ऐसे गोल गोल इसमें बहुत सारे सीड्स आ जाएंगे, और ये जो सीड्स हैं ना, ये अपने आप ही ऐसे स्टोन की शक्ल ले लेते हैं, और उन्हीं स्टोन से फिर बाद में माला बनाई जाती है, वैजयंती की माला होती है। ये देख सकते हो सदाबहार के फूल, ये जो कि हमेशा लगे होते हैं और इतने खूबसूरत लगते हैं। इन सारी मिर्च मैंने यहीं से तोड़ी है, इन सारे प्लांट्स में काफ़ी मिर्ची लगी हुई है। शाम के 4 बजे हुए हैं, और आप देखो कि यहाँ पे कितने सारे पक्षी हैं जो दाना चुगने के लिए आते हैं। मोर, कबूतर, तोता, चिड़िया सब एक जगह होते हैं, और इतना अच्छा लगता है ना इनके साथ। काफ़ी सालों से ना हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इनके लिए ना काफ़ी सारा दाना डाल के रखते हैं, तो एक बार ये सुबह आते हैं, फिर एक बार दोपहर के बाद आते हैं। आज अभी एक ही मोर है, नहीं तो कम से कम 15 से 20 मोर हमेशा ही होते हैं। ये देखो कैसे उड़ गए हैं सारे के सारे। शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है। शरद पूर्णिमा के चांद की एक खासियत होती है कि सिर्फ शरद पूर्णिमा का चांद जो होता है उसी को 16 कलाओं से परिपूर्ण माना गया है, और इसी के लिए कहा गया है कि आज ही के दिन शरद पूर्णिमा को स्वयं कृष्णा जी आते हैं और रास करते हैं वृंदावन में। और आज के दिन पूजा का विशेष महत्व है, और कहते हैं कि आज के दिन जो भी आप खीर बनाते हो और रात को उसको चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं पूरी रात, और सुबह जब उस खीर को खाते हैं तो अमृत बन जाती है।
कहते हैं कि आज की रात ना चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है, तो आज के दिन आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे और चंद्रमा को प्रणाम करेंगे। शरद पूर्णिमा का चांद है और सबके लिए प्रेयर करेंगे कि सबके लिए खुशियां भर आए। और कल से कार्तिक मास की शुरुआत होगी, वो भी देवताओं का महीना माना जाता है, फेस्टिवल्स का मंथ माना जाता है, तो कल से फेस्टिवल्स और कार्तिक का महीना भी शुरू हो जाएगा। और शरद पूर्णिमा के चांद के साथ ही हम अपने आज के ब्लॉग को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, नमस्कार सभी को, गुड नाइट।